हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि अब आपको आइडिया है कि आपके पास ओनली 8 to 9 days है फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट डे। बाकी किसी के दूसरे अटेम्प्ट हैं या और भी डेज बाद में हैं तो उनके पास कुछ ज़्यादा है टाइम। अटेम्प्ट तो सबके होंगे लेकिन टाइम 1 2 दिन 2 3 दिन एक्स्ट्रा मिल सकता है और एक्स्ट्रा पेपर भी आपको सॉल्व करना हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी केवल बेस्ट प्रॉब्लम्स, जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, जिससे एक क्विक रिकैप टाइप का आपका ओवरव्यू आ जाएगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो आज भी हम क्या है, बेस्ट प्रॉब्लम्स विथ क्विक रिकैप फॉर जेई मेन, है ना। इसमें जेई एडवांस का हम ऐसे ही शुरू करेंगे जस्ट आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स, है ना। 2 अटेम्प्ट के बाद यानी अप्रैल फर्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे जेई एडवांस की ऐसी ही प्रॉब्लम सेशन, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं आपका जेई मेन प्रॉब्लम सेशन। ओके बच्चों, तो देखो इसमें हमें आज के लेक्चर्स में जो क्वेश्चन है, जैसे हमने कल के लेक्चर्स में भी या प्रीवियस प्रॉब्लम सेशन में हमने क्या किया था, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे, कुछ अलजेब्रा के किए थे, कैलकुलस भी था, उसी को सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कर लेना होगा, ठीक है ना। जैसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन दे रखे हैं, तीसरा लाइन भी दे रखा है, 3 लाइन्स कॉन्करेंट है, तो वैल्यू ऑफ बी क्या होगा। तो देखो कॉन्करेंट का एक कंडीशन होता है, लेकिन बच्चों वो कंडीशन हम कब अप्लाई करते हैं, जब ए बी सी तीनों में कुछ अनोन होते हैं। यदि हम इक्वेशन को ध्यान दें तो इन 2 इक्वेशंस में सारे हमारे पास दिए हुए हैं। देखो हमारे पास लाइन है 4x+3y इज इक्वल टू 1 है और x-y +5 इज इक्वल टू 0 है ना, ये हमारे पास है। तो अब जब 2 लाइंस दिए हुए हैं, एग्जैक्ट दिए हुए हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई जो आएगा, क्योंकि तीसरा लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उससे हम सेटिस्फाई करवा देंगे। तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करें बच्चों, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यानी इसको हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो सोल्विंग y के जगह पर x+5 या 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। तो ये आ गया 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x और इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ 1-15, है ना। तो यहां से आपका आ गया x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू क्या है 3, है ना। यही है ना, x+y मतलब x+5 इज इक्वल टू 3 है, यानी पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका -2, 3, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2, 3 आ गया, ठीक आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम ये ले लिए। अब देखो ये जो पॉइंट है वो यही लाई करेगा किस पर, एज -2, 3 लाइज ऑन थर्ड लाइन। थर्ड लाइन मतलब 5y+bx इज इक्वल टू 3 है। तो इस पर लाइक करने का मतलब सेटिस्फाई कर दिया, है ना। तो यहां से क्या आ गया 5 × 3 यानी 15-2b इज इक्वल टू 3। तो b इज इक्वल टू यहां से आपका आ गया 6। बी इज इक्वल टू क्या आ गया 6, याद रहेगा ये, एकदम आपको अच्छे से ध्यान देना है। इन जनरल इसका क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, 3 लाइंस यदि कॉन्करेंट है बच्चों, 3 लाइंस है ना। तो एक ये भी आपको याद रख लेना है, जैसे होता क्या है ना, किसी किसी क्वेश्चन में ए बी सी तीनों इक्वेशन में दिए होते हैं, तो हमें ये डिटरमिनेंट वाला भी याद रखना होता है, ठीक है। a1x+b1y एंड सो ऑन, है ना। वी हैव 3 लाइंस a3x+b3y
प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये तीन लाइंस यदि कॉन्करेंट है, आर कॉन्करेंट, देन क्या होगा कंडीशन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री का डिटर्मिनेंट होना चाहिए आपका जीरो। तो ये है एक अलग कंसेप्ट, यदि हमसे कॉन्करेंट का कंडीशन पूछा जाए तो ये वाला होगा, और यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि दो लाइंस दिए हुए हैं तो, है ना, कॉन्करेंट, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो तीन लाइन यदि कॉन्करेंट है तो देखो इस पर भी बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। मतलब कोई भी तीन लाइंस है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी तो यही है, बाकी क्वेश्चन ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द वर्टिसेज ए एंड डी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, एक स्क्वायर ए बी सी डी है, लाई ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड थर्ड में ए और डी नहीं है। एंड अच्छा एक्स एक्सिस का ये है ए है और वाई एक्सिस है, लाई ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है फर्स्ट और डी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये हम देख सकते हैं। नाउ इफ द वर्टेक्स सी इज द पॉइंट 12.17, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी आर, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें देख लेना है, इस क्वेश्चन में हम जो देख रहे थे कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें यहां पर क्या देखना है, तो देख रहे थे, देखो हमें यहां पर वर्टिसेज ए एंड डी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी लाई ऑन ए एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्यों ना हम इसका फिगर बना लें, एकदम आसान है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ए और डी दे रखा है बच्चों। देखो ए है एक्स एक्सिस पर और डी है, तो ए के बाद तो क्या होता है बच्चों, ए के बाद तो बी होता है ना, तो ए बी सी डी है। तो देखो ए है बी है, यहां से हम सी ले लिए, है ना, ये हमें एक ही लाइन में लग रहा है, इसका मतलब थोड़ा और इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ले लिए, और ये है डी यहां पर होना चाहिए, ठीक है, ये फिगर इसमें हम यहां से ले लेते हैं, ये है ना, और यहां पर हमारे पास ये दिया हुआ है, ये है स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से हम इसको स्क्वायर बना लिए हैं, ठीक है, तो स्क्वायर बनाने से ये आ गया है आपका। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, ए है बी हमने ले लिया, सी दे रखा है और ए और डी तो कहां दे रखा है, ए दे रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और बी दे सॉरी डी दे रखा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और सी का कोऑर्डिनेट है 12.17, है ना, ये दे रखा है, तो बी का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये एक स्क्वायर है यानी दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइड लेंथ ये सब निकाल सकते हैं ना बच्चों। मान लिया जाए लेट साइड्स ले लिया, लेट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो साइड लेंथ है ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, यहां पर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर हो गया, यहां से ए ले लिया, क्या ले लिया ए, तो जब ए ले लिया तो ये ए है, ठीक है। अब हम अपना मन से सारे तो ए हो गए, यहां पर ये देखो ये यदि एंगल थीटा लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहां से यदि हम परपेंडिकुलर ले ले
तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये सारे तो सी डी जो है बच्चों वो ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये अब ए यहां से आपका क्या हो गया, देखो ये वाला पूरा का पूरा, अब हम नोमेनक्लेचर दे देते हैं, ये है ओ, ये हम ले लेते हैं नोमेनक्लेचर अलग अलग कलर से दे दिए, ये हो गया एल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एम, काफी है ना। तो देखो यहां से सी एम क्या है भाई, सी एम, सी एम का मतलब है 12, है ना। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, सी एम है 12, ठीक, और ये वाला है ए, तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू सी एम अपॉन ए है, यानी सी एम का मतलब ए cos थीटा हो गया, तो ए cos थीटा आपका आ गया 12, ए cos थीटा क्या आ गया 12, और यहां से भी वही ए cos थीटा है, ये ए cos थीटा यही है ना, यानी ए एल भी यही है, ए एल भी 12 है, ठीक। ऑल्सो ए cos थीटा आ गया, एंड ए sin थीटा क्या हो जाएगा, यहां से आपका ए sin थीटा, तो ए sin थीटा है, ए sin थीटा इज इक्वल टू ए sin थीटा, एकदम ज्योमेट्री देखना है बच्चों, ए sin थीटा इज इक्वल टू बी एल है या एल बी बोल दो, बी एल है या एल बी, और यहां से ए sin थीटा क्या है, डीएम है, ठीक, ये है। अब देखो ये कितना दिया हुआ है, ये वाला पूरा का पूरा जो लेंथ है, ये वाला जो हम लेंथ ले रहे हैं, देखो ये पूरा का पूरा है 17, ये पूरा का पूरा क्या है 17, है ना, तो ये है 17, ये है 12, तो यहां से हम ये दोनों डिस्टेंस देख सकते हैं बच्चों, तो ये आपका ए साइन थीटा, यदि ज्योमेट्री देखोगे तो ये आपका ए साइन थीटा आ गया 5, तो यहां से ए cos थीटा और ए sin थीटा, ये आपका पता चल गया। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, cos स्क्वायर, ए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, यहां कितना आ गया 169, यानी ए आ गया आपका 13, ए तो 13 आ गया, तो जब साइड लेंथ आ गया तो ये वाला कोऑर्डिनेट बी का ही तो कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है ना, तो ये वाला यहां से, सो ए एल है ना, ए एल तो हमारे पास ऑलरेडी है 12, ए एल तो ऑलरेडी 12 है, एंड ये वाला कितना आ गया, ये देखो ये वाला, ये बी एल, बी एल इज इक्वल टू आ गया 5, वो भी हम लिख चुके हैं यहां ज्योमेट्री से, तो बी एल आ गया 12 और ये आ गया 5, तो यहां से ये पूरा का पूरा देखो, ये है 12, ये है 5, तो ये आ गया पूरा 17, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 17, 5 ना, एकदम सही, तो 17, 5 ये आपका बी का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी बी का कोऑर्डिनेट जो पूछा जा रहा है वो होगा 17, 5 एज पर फिगर, याद रखना है इसको, ये जैसे ये आ गया था हमारे पास, ये पूरा 17 है बच्चों, इसीलिए ये 5 आया था, ये पूरा 17 है, तो ये आ गया आपका, और उसी से ये निकाल लिया हमने, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आया था, फिर उसके बाद ए साइन थीटा हमने यहां लगाया, बी एल वो आ जाएगा, और उसके बाद हमने ए निकाल के पुट कर दिया, क्लियर है, ओके। तो ये ज्योमेट्री बेस्ड इसमें क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री इसमें ज्यादा अप्लाई कर लेना है, ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो आगे देखते हैं, ये एकदम आसान कंसेप्ट है, किसी भी केस में देखो ये सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में हम ये याद किए हुए हैं कि कोई भी सर्किल होता है S इज इक्विवेलेंट टू 0, ठीक, तो उसमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि एक लाइन ड्रॉ किया गया, तो अब एक्सटर्नल इंटरनल तो पता चल जाएगा ना, हम उस पॉइंट को सर्किल में पुट करके देख लेंगे,
तो यदि ये ए और बी पर कट कर रहा है ना, तो एक जानते हो ना पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्किल, विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्किल क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ये होता है पावर, ऑल्सो नोन एज पी टी स्क्वायर, ये होता है ज्योमेट्री। ठीक है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट वेयर पी टी इज इक्वल टू रूट एस वन होता है, पी टी इज इक्वल टू रूट एस वन, लेंथ ऑफ टेंजेंट वगैरह याद है ना, केवल सर्किल में रूट एस वन होता है, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है, टी इज इक्वल इनटू जीरो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिडिल पॉइंट एट एक्स वन वाई वन, टी इज इक्वल टू एस वन, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एस यहां पर एस दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो ये ले लिया है ना। सो पी, पी का मतलब है थ्री कॉमा इलेवन है ना, यहां से हमने पी ए इंटू पी बी निकाला, दैट इज पी टी का स्क्वायर, तो पी टी स्क्वायर मतलब एस वन ना, एस वन का मतलब वैल्यू ऑफ कर्व एट एक्स वन वाई वन, यानी थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, सॉरी फोर स्क्वायर क्यों लिया, इलेवन स्क्वायर होगा ना, एकदम सही, माइनस नाइन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, रूट भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 11 स्क्वायर यानी 121, आसान है। तो ये आपको कुछ कुछ ध्यान देना है ना, इन जनरल कुछ कुछ और जो इसमें रिकैप में याद रखने हैं, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट है, क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स ध्यान देना है कि क्या होगा, क्लियर है बच्चों, ये याद रखना है। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिडिल पॉइंट एट एक्स वन वाई वन, ये सारा एक ही जैसा रिप्रेजेंटेशन वाइज याद रखते हैं, और सारे टॉपिक में आपको यूज होते ही है, सारे टॉपिक का मतलब सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सारे टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन वाइज ऑलमोस्ट सेम ही टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। अब देखो आगे चलते हैं, ये जो दिया हुआ है, इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट पी दिस इन अ लाइन एल इज 4.5, जैसे एक लाइन ले लिए, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक, तो इस लाइन में पी का इमेज, देखो पी का मतलब 2.3 का इमेज जो है ये दे रखा है ना, दिस इज क्यू, तो ये दे रखा है आपका 4.5, ठीक, तो पी का इमेज यानी 2.3 जो है ये 4.5 दे रखा है। देन द इमेज ऑफ आर, ये लाइन एल है, तो इमेज ऑफ आर क्या होगा बच्चों, तो इमेज ऑफ आर जो कि 0.0 दिया हुआ है, तो इमेज के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, हेयर एल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू, जो एल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पी क्यू एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू है ना, क्योंकि मिरर इमेज जो होता है बच्चों वो क्या होता है, मिरर इमेज जो होता है वो जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतने ही दूर इमेज भी होते हैं, और वही यहां ध्यान देना है। तो आप देखो मिडिल पॉइंट तो हमने निकाल लिया, मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा 3.4 है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप जो है आपका वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 1, 2 बाई 2, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस 1,
तो स्लोप है माइनस वन, ठीक है। दैट इज इक्वेशन ऑफ एल, इक्वेशन ऑफ एल, लाइन एल का जो इक्वेशन है वो आ गया आपका वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, यही ना। तो ये ध्यान देना है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, याद रहेगा कि नहीं। तो x प्लस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, थ्री कॉमा फोर और स्लोप है माइनस वन। अब इस लाइन के रिलेटिव हमें ओरिजिन का मिरर इमेज देखना है, तो ओरिजिन का मिरर इमेज, तो देखो बच्चों मिरर इमेज के लिए ये सब तो कंडीशन याद रखते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखते हैं। वैसे यहां ओरिजिन है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं होगा। तो अब डायरेक्ट, या तो आइदर बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, आइदर बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो बच्चों क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन वो इन जनरल टफ पॉइंट में यूज किया जाता है, यहां तो ओरिजिन है, यहां भी यूज कर सकते हैं। मिरर इमेज क्या होता है, देखो ये लाइन है L, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, और एक्स वन वाई वन हमारे पास दिया हुआ पॉइंट है, दिस इज गिवन, और जो निकालना है वो हमारे पास है एक्स टू कॉमा वाई टू, ये है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, तो वो ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन ए, y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, ये देखो ये डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस क्या होगा, टू टाइम्स डिस्टेंस, तो यहां माइनस टू टाइम्स, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है ना, तो x1 y1 को इस लाइन पर रख लेंगे, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुछ नहीं, ये हम ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल रहे हैं तो उसका रूट लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यहां से हम इस पॉइंट, इस लाइन को इसके साथ कंपेयर किए, और यहां से x2 आ गया, यहां से y2 आ गया, क्लियर है, और आंसर आ जाएगा। तो x2 और y2 आपका आ गया, एकदम क्लियर है, तो मिरर इमेज आ गया। अब ये आता कैसे है, तो डेरिवेशन तो आपको पता है कि ये जो लाइन है, देखो अब ये लाइन आ गया L, L का मतलब है x प्लस वाई माइनस सेवन, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी कर सकते थे कि ये इसका मिरर इमेज ये है, अब ओरिजिन है तो ये लाइन पैरेलल होंगे दोनों, तो वो देख लो पैरेलल हो जाएगा और मिडिल पॉइंट वाला हो जाएगा, वहां से भी देख सकते थे, लेकिन हम पूरा बेसिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। अब एक लाइन दे रखा है ये, अब एक ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन है तो अब इसका मिरर इमेज बताना है क्या होगा, तो इसका मिरर इमेज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो लेकिन डेरिवेशन ज्यादा अच्छा है, इसीलिए देखो मिरर इमेज जो होता है वो हमने क्या बताया है, मिरर इमेज इज द परपेंडिकुलर है ना, बाइसेक्टर, ये लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब एक तो स्लोप बीटा माइनस जीरो अल्फा माइनस जीरो इंटू इसका स्लोप है माइनस वन, प्रोडक्ट माइनस वन होगा, एम वन इंटू एम टू, यानी यहां से बीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया, आया ना बीटा इज इक्वल टू अल्फा। दूसरा इन दोनों का मिडिल पॉइंट, इन दोनों का मिडिल पॉइंट एंड अल्फा बाई टू कॉमा बीटा बाई टू, अल्फा बाई टू कॉमा बीटा बाई टू लाइज ऑन एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा बाई टू यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फोर्टीन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, वहां से तो फ्रॉम वन एंड टू अल्फा आ गया सेवन, बीटा भी आ गया सेवन, तो मिरर इमेज आ गया सेवन कॉमा सेवन, है ना। तो ये चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन टफ में नहीं आएगा,
होगा क्या, इस क्वेश्चन को हम लेंदी क्वेश्चन में भले बोल सकते हैं। लेंदी का मतलब 2 से 3 से 4 मिनट भी जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लाइन निकालना है, उसके बाद उस लाइन के रिलेटिव किसी अलग पॉइंट का अलग मिरर इमेज निकाल लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, याद रहेगा आपको एकदम सही। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन है एपी का। तो इस क्वेश्चन के एपी में सिग्मा देखो ये दिया हुआ, वेयर A1, A2, A3, A21 आर इन एपी, 21 टर्म्स है देन द, तो सभी का समेशन दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, ये तो एकदम आसान है, केवल मुझे लग रहा है ना कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये। A21 ये दे रखा है यहां 693, ठीक। अब सम ऑफ 21 टर्म्स ये जानते हो। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन हमसे पूछा जा रहा है ना, तो वही हम देख लेते हैं। तो हमें इसमें यदि A1 पूछा जा रहा है, A2 को हम नहीं पता है हमें, तो हमें जब कुछ नहीं आइडिया है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हमें कोई ऐसा आइडिया तो है नहीं, तो देखो हम यहाँ सम ऑफ, यहाँ क्या है ना फर्स्ट टर्म ले लिया हमने, लेट फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, और नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही है, तो यहां से आ गया आपका 21/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहां से 693, तो मुझे लग रहा है ये 2 से 2 तो कट गया, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 693/21, तो ये कितने से कटेगा भाई, 21 into 30, ये होता है 630, होता है ना 630, और 630 यहां से बाहर कर दें तो ये हो जाएगा 33, तो 33 भी तो ये कितना गलत बोल दिया, 63, तो 63 यानी 3 और हो गया, तो 30 यानी 33 आ गया, ये 33 आ गया, ये 1 हो गया। नाउ अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, नाउ सिग्मा ए 2r + 1 r 0 से 11 है ना, तो यहां से क्या आ गया, A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन A21। अब ये कितने टर्म्स है बच्चों, ये आपके हैं, गिन लेते हैं 1 2, अच्छा 11 टर्म्स है ना, अल्टरनेट टर्म्स हैं, 0 से 10 यहीं से गिन लिए, आपके 11 टर्म्स थे, तो 11 टर्म्स यानी 11/2 2a प्लस 11 - 1 10। अब देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, 11 टर्म्स है, तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस A1 और A3 का गैप कितना है, 2d है ना, तो 2d है, ये आ गया आपका, है ना, तो ये आ गया आपका 11 into a plus 10d, और a plus 10d तो ऑलरेडी आपको पता है, देखो तो 11 into 33 ये आ गया आपका, ये आ गया फ्रॉम 1 ना, तो यहां से आ गया 330 + 33 यानी 363, तो 363 ये आपको ध्यान देना है, याद रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये कुछ कुछ याद रख लेना है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स चाहे वो जीपी में हो या सारे फॉर्मूले भी आपको इसमें ध्यान देने हैं एपी वगैरह के, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, एकदम आसान आसान होते हैं। इसके अलावा एपी जीपी एचपी के फॉर्मूले के साथ साथ कुछ आपको ये वाला तो याद ही रख लेना है, सिग्मा एन, एन इज इक्वल टू 1 से n, एन एन प्लस 1/2 याद होगा ना, सिग्मा एन स्क्वायर याद है, एन एन प्लस 1 2n + 1/6 है ना। हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी टाइप के, वो सीक्वेंस वाइज आगे हम चल रहे हैं बच्चों, इसीलिए जैसे हम पिछले बार भी एपी के किए थे, इस बार भी एपी के हैं, फिर अब जीपी वगैरह और ये सब आएगा, ठीक है। तो n क्यूब, n इज इक्वल टू 1 से n, इसका भी याद है ना, n n + 1/2 का होल स्क्वायर
और चाहो तो सिग्मा एन फोर भी याद रख सकते हो, लेकिन इन जनरल कभी आज तक आया नहीं है, ठीक है। वो सिग्मा एन फोर तो ये आता है लिमिट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। मतलब ये पावर में एन फाइव का कोफिशियंट इसमें है 1 बाय 5, 1 × 2 × 3 by 30, यानी 6 by 30, यानी 1 by 5, ये क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें, इसलिए ये ध्यान देना है, ठीक है। ये याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन, ये देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, एकदम आसान है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक इक्वेशन हैज टू रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इसमें क्या लेना है, लेट रूट्स आर, रूट्स क्या क्या ले लिए, एक अल्फा है, एक माइनस अल्फा है, और तीसरे के बारे में तो दे नहीं रखा है, तो उसको बीटा ले लेते हैं। यहां से अल्फा निकाल के फिर पुट कर देना है, या अल्फा या बीटा जो भी है। नाउ यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए ना, यानी यहां आ गया एम, तो ये आ गया आपका बीटा इज इक्वल टू एम, आ गया ना। अब बीटा एक इस इक्वेशन का रूट है, बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो एज बीटा इज रूट ऑफ, रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज बीटा के जगह पर एम भी है, तो ये एम क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस थ्री एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। देखो इससे आसान क्या आएगा, एम इज इक्वल टू 2 by 3, आसान है ना, आसान है कि नहीं। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इन जनरल क्यूबिक इक्वेशन के जो एनालिसिस में हम देखते हैं, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन कोई भी एफएक्स दिया हुआ है, एफएक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, इसके रूट्स का चर्चा होगा, तो हम क्या करेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स, है ना, फाइंड एफ डैश एक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो, इक्वेट इट टू जीरो। यदि ये जीरो नहीं हुआ तो अलग बात है, ठीक है। यदि एफ डैश एक्स जीरो हुआ, ठीक है, और जीरो होने से एक्स के दो वैल्यू आ गए, एक्स वन और एक्स टू, देखो रियल रूट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हैज इफ, ठीक है, यानी इफ एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू किसके रूट है बच्चों, एक्स वन और एक्स टू है एफ डैश एक्स के रूट, ना कि एफ एक्स के रूट। तो एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू लेस देन जीरो है, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है या ध्यान देना है, ठीक है। एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू यदि ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज वन रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। और तीसरा यदि हम लेंगे एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू यदि जीरो होगा, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज थ्री रियल बट वन रूट इज रिपीटेड, एक रूट जो होगा वो रिपीट करेगा,
ठीक है। तो ये हमने इन जनरल एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ये ध्यान देने के लिए किया है कि ये आपको क्या करना है, याद रखना है, है ना, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। इसी से अच्छे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे और जो कैलकुलस बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये हो गया एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। हमने ऑलरेडी बता रखा है कि हम आसपास के क्वेश्चन तो करेंगे ही जो इसमें दिया हुआ है, उससे अलावा भी हम क्या करेंगे, जो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन जिसमें दूसरा सेक्शन भी इन्वॉल्व है वो भी यूज करेंगे बच्चों। तो ये एक तरह से रिकैप भी है और आपके प्रॉब्लम्स तो डिस्कस है ही इसमें, ठीक है। तो ये दोनों तरह के बेनिफिट इसमें कर सकते हो आप। देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो एकदम आसान आसान होता है भाई, क्वेश्चन ज्यादा वैसा प्योर जेई मेन में आसान क्वेश्चन ही आते हैं। ये अलग बात है कि 30 क्वेश्चन जो इस साल आएंगे वो हो सकता है सारे ना हो आसान, लेकिन इतने आसान जरूर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कि आप आराम से इन मैथमेटिक्स 50 to 60 out of 100 उठा सकते हो। इतने क्वेश्चन तो आसान, यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड प्लस एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन भी उतने 10 लाइन का नहीं 4-5 लाइन तक का ही होता है। उसके आगे फिर 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें ज्यादा एप्लीकेशंस यूज होंगे, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें ए बी सी आर इन एपी एंड एक्स इज ए वेरिएबल, डिटरमिनेंट है। ए बी सी देखो एपी में है, ये भी देखो 1, 2, 3 भी एपी में है, 5, 7, 9 भी एपी में है और ए बी सी भी एपी में है, सब तो एपी में ही है। तो ये एक ही जैसा लग रहा है ना, ये एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं बच्चों? तो देखो एक ही जैसा लग रहा है तो हम इसमें कोई भी, देखो फॉर्मलिटी के लिए हम कोई प्रॉपर्टीज लगाते हैं, डेल्टा ले लिए, है ना, डेल्टा का मतलब एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस ए। अब ए बी सी के बीच में रिलेशन है, यानी हमें आर में प्रॉपर्टी लगाना होगा ना कि कॉलम में, ठीक है। एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस सी है, ठीक है, ये है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी देखो, क्यों हम कॉलम में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिश्ता एबीसी में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम रो में प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। तो अप्लाइंग कंपटीशन में 2 एट ए टाइम कंडीशन लगा सकते हो, बोर्ड में एकक लगाना होता है, है ना। अप्लाइंग आर वन में क्या कर दिया, आर वन माइनस आर टू, आर टू में क्या कर दिया, आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, आर वन में आर टू माइनस किए हैं लेकिन चलो कर दिए तो अब है, तो ये आ गया माइनस 1 माइनस 2 और ए माइनस बी, और फिर है माइनस 1 माइनस 2 और बी माइनस सी, और यहां से है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस सी। अब देखो जानते हो कि एज ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, है ना, ए बी सी एपी में है ना, इस वजह से तो ये तो सेम है दोनों, ये वाले सेम है, है ना, और ये दोनों तो सेम है। सो आर वन इज इक्वल टू आर टू इन डेल्टा, दैट इज डेल्टा इज ऑलवेज जीरो, डेल्टा इज ऑलवेज जीरो, तो डेल्टा तो ऑलवेज जीरो हो गया, दो रो इक्वल है, इसका मतलब ये हमेशा जीरो होगा, चाहे एक्स का कोई भी वैल्यू रखो, एक वैल्यू रखो, दो वैल्यू रखो, इनफाइनाइट वैल्यूज। सो दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी इन एक्स, ये किस में आ गया, ये एक एक्स में आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, याद रहेगा बच्चों, एकदम अच्छे से इसको ध्यान देना है, ओके ओके। अब देखो इसमें हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। जब भी इनवर्स, देखो इनवर्स के लिए आपको याद है कि इनवर्स फंक्शन के लिए हमें फंक्शन को चेक करना होता है कि वो 1-1 ऑन टू है या नहीं है। 1-1 के लिए डिफरेंशिएशन, ऑन टू के लिए कोडोमेन रेंज देख लेना है,
वन वन ऑन टू चेक कर लेंगे टू गेट एनी इनवर्स, है ना। इनवर्स के लिए एफ इनवर्स एक्स को जेड ले लेना है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स यदि बाइजेक्टिव है तो इज बाइजेक्टिव देन, बाइजेक्टिव का मतलब वन वन ऑन टू, ठीक है, इसको जेड ले लेना है और यहां से एफ जेड से सारा मामला कूल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जेड निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन एक ये भी याद रखते हैं, जो फंक्शन इनवर्स देते हैं वो वन वन ऑन टू होते हैं, ठीक। अब जो फंक्शन वन वन ऑन टू होता है, जरूरी नहीं है कि हम उसका इनवर्स निकाल पाए, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्टेंस अलग चीज है, इवैल्यूएशन अलग चीज है, ठीक है। तो ऐसे भी फंक्शन होते हैं बच्चों जो हम इनवर्स तो एग्जिस्ट करवा देते हैं हम जिसका, लेकिन उसका इनवर्स हम इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए डेटा वाइज दिया जाएगा कि इस डेटा पर बताओ, है ना। जैसे मान लिया जाए, है ना, और इसमें ये याद रख लेना है आपको, एवरी ऑल्सो एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन गिव्स इनवर्स फंक्शन, क्या कौन सा फंक्शन देगा, वो इनवर्स फंक्शन देगा, एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन गिव्स बाय इनवर्स फंक्शन, बट ऑल मतलब ऑल बट कैन ऑल्सो नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये स्टार लगा देता है, ऐसा नहीं कि हम सब में इनवर्स निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, याद रहेगा ये उसी में ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा ना, देखो ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स तो दे रखा है, लेकिन हम यदि इसको इनवर्स निकालना चाहे तो ये नहीं निकलेगा इनवर्स, क्योंकि देखो एक है अलजेब्राइक एक है एक्सपोनेंशियल, तो कभी निकल ही नहीं सकता। तो उस केस में इनवर्स अब निकालेंगे नहीं, लेकिन तब भी डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जी डैश वगैरह निकाल लेंगे, है ना। तो नाउ लेट क्या, ये तो दे ही रखा है ना बच्चों, एज क्या दे रखा है कि एज जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, है ना, तो जी ऑफ एफ एक्स भी ले सकते हो या एफ ऑफ जी एक्स भी ले सकते हैं, है ना। तो यहां से एफ ऑफ जी एक्स ले लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक, एफ ऑफ जी एक्स ये हो गया एक्स, और सिंपली ये भी लिख सकते हैं डोमेन फॉर ऑल जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, स्टार लगा देते हैं, स्टार इसलिए कि अपने डोमेन और रेंज वो डिफाइंड होने चाहिए बच्चों, ये बस ध्यान देना है। अब हमें जी ऑफ एफ एक्स से निकाल लेना है या ये, तो हम कोई भी यूज कर लेते हैं, यूजिंग जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स, हमें यहां डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो इसलिए जी डैश इसका डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एफ एक्स होगा इनटू एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हो गया राइट साइड में वन, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स आ गया, वन अपॉन एफ डैश एक्स आ गया, तो हमें एफ डैश एक्स आ चुका है, तो हम पहले ही यहां एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं भाई, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, फाइव एक्स फोर प्लस वन बाई फाइव ई टू द पावर एक्स बाई फाइव, यही है ना, हमें आगे जरूरत होता है इसलिए। देखो अब हमसे जी डैश एफ एक्स नहीं पूछा जा रहा है, हमसे जी डैश ये पूछा जा रहा है वन प्लस ई टू द पावर वन बाई फाइव, तो देखने से ही लग रहा है एक्स के जगह पर वन रख दे, है ना। नाउ एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन हमें क्या करना है, एज पर क्वेश्चन पुट एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन रखने से एफ डैश ऑफ सॉरी जी डैश ऑफ एफ वन इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन एफ डैश वन,
देखो x के जगह पर 1 रखने से ये आ रहा है जो पूछा जा रहा है, तो यहां से क्या आ गया 1 अपॉन जी डैश ऑफ f1 का मतलब 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई 5 है। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो इसको यहां कर दिया इसको वहां कर दिया f डैश वन क्या हो जाएगा, f डैश वन का मतलब 5 प्लस 1 बाई 5 यही ना, तो 5 प्लस 1 बाई 5 है। और ये देखो 5 प्लस 1 बाई 5 तो आसान है ना, यहां पर 5 प्लस 5 बाई e है। अब e टू द पावर x बाई 5 का तो e टू द पावर आ गया, ये यहां देखो आ नहीं रहा है अभी, 5x4 हो गया प्लस x के जगह पर 1 रख दोगे तो f डैश 1 अच्छा यहां भी ना, तो ये 5 1 बाई 5 e आ गया, e का पावर 1 बाई 5। अच्छा ये तो मैं लिखा ही नहीं था, है ना, ये आ गया आपका आंसर। तो 5 प्लस 1 बाई 5 e टू द पावर 1 बाई 5 ये आ गया आपका, क्लियर है। यहां पर मुझे लग रहा है ना ये माइनस होगा क्योंकि ऊपर लिख लिया है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है। बेसिकली ये क्या हुआ है, जी डैश एफ एक्स लिखे हैं और ये आ गया एफ डैश वन, और एफ डैश वन यहां से हमने निकाल लिया तो एफ डैश वन आ रहा है 5 प्लस e का पावर 1 बाई 5 बाई 5 आ रहा है। अच्छा वही तो आ रहा है, हमने क्यों नीचे लिखा था, सही आ रहा है यानी ये वाला, है ना, देखो गलत हो गया, जो आया है वह सही है ना। हमने यहां भी ये लिख देते हैं प्लस में, और ये है 5 प्लस e टू द पावर 1 बाई 5 बाई 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन किए और ट्रिगोनोमेट्री का आज यूज नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेट रिलेटेड किए, अलजेब्रा का भी यूज हुआ, तो अलजेब्रा कोऑर्डिनेट और फंक्शन के एक दो क्वेश्चन यहाँ किए हैं। इसी सीरीज को हम रेगुलर बेसिस पर बच्चों कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इसी फरवरी में ही अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए आप एकदम अच्छे से स्टडी करो और ज़्यादा कंटेंट बेस्ड, अभी जो है थ्योरेटिकल पर ज़्यादा ध्यान दो और आसान आसान क्वेश्चन देखो कितने आसानी से हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप इस पर ध्यान दो, आपका एकदम अच्छे से एग्जाम चला जाएगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, ओके थैंक यू।